फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद आर के। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 8 और मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, झाड़ू वगैरह लगाई और पानी गर्म किया है, थोड़ा सा जो है गर्म पानी पीती हूँ और आज से अपने रूटीन पे आने वाली हूँ। बिकॉज सर्दियों में बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली, बहुत ज़्यादा आलस फैला लिया। अब दिन थोड़े से बढ़िया बड़े होने लगे हैं, मौसम अच्छा होने लगा है, मॉर्निंग में ही बढ़िया वाली धूप आ जाती है। सो मैंने यहाँ पे ये पानी है, इसमें डेली कुछ ना कुछ लाइक कभी मेथी दाना, कभी अजवाइन, कभी कलौंजी, कभी सौंफ, कभी जीरा, इस तरीके से 2-3 चीज़ों को मिक्स करके मैं यहाँ पे डेली पानी भिगोती थी। और अभी मैंने यहाँ इसको गर्म कर लिया है। सो मैं जो हूँ एक दो काम और है वो करती हूँ, उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, भाप निकल रही है। जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो फिर मैं इसको पीऊँगी। और आज से जो है मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आने वाली हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सर्दियों में सब पराठे अच्छे से हैवी डाइट लेना, वो सब करना, जो कि बिकॉज़ मेरा मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत कम है। सो जो भी खाती हूँ वो सब मेरे फेस पे, शरीर में दिखने लगते हैं मस्त वाला। तो इस सबको हमको छुपाना है। Later. So friends, अब मैं मिलती हूँ आपको लंच में या फिर इवनिंग में, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट इवनिंग में। मॉर्निंग में आपने देखा था मैं ड्यूटी जा रही थी और उसके बाद आके हेयर वॉश किया, नहाया है और अभी 5:30 का टाइम है। और आज का मैंने जैसे मैंने सोचा था कि मुझे 3 लीटर पानी पीना है, जिसमें से कि मैं अपना 2 लीटर पानी फिनिश कर चुकी हूँ, 1 लीटर बचा है जो कि मैं अभी 7 बजे से पहले पी लूँगी। एंड उसके बाद हमें मतलब कि डिनर जो है अच्छे टाइम से कर लेना है। सो डिनर एक्चुअली मैं इवनिंग में थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लूँगी, सो वो मैं ले लूँगी। और 7 बजे के बाद मैं कुछ भी सॉलिड फूड नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज कम से कम आपको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि वाटर का जो है वेट लॉस में बहुत ज़्यादा रोल है। पानी का इनटेक
आपको रख अच्छा रखोगे तो वॉट जो है आपका वेट लूज बहुत जल्दी होगा, क्योंकि एक तो पानी पीने से पेट भी फुल हो जाता है तो भूख भी नहीं लगती, उतनी क्रेविंग भी नहीं होती है, एंड जो है बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई होती रहती है। सो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं कुछ कुछ चीज़ें मिक्स करके मॉर्निंग का पानी लेती हूँ, जो जैसे सभी लोग गर्म गुनगुना पानी पीते हैं उठते ही, सो आप उसमें कुछ ना कुछ डाल लीजिए जिससे कि वो एक तरीके का डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। वेट लॉस के टाइम पे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी ये नहीं कि बिल्कुल ही फास्टिंग में हैं, खा पी नहीं रहे हैं, वीकनेस आ रही है, इस तरीके से नहीं। आपको प्रॉपर से 3 मील लेने ही लेने हैं, बस वो जो छोटक पुटक हम चटर पटर खाते रहते हैं उस चीज़ को अवॉइड करना है, और एक लिमिटेड खाना खाना है। ये नहीं कि अच्छा लग रहा है तो आपने जब खूब सारा खा लिया, इस तरीके से नहीं। 2-3 चपाती या आप जो भी अपना डाइट के अकॉर्डिंग फूड बना रहे हो तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही कंज्यूम करना है। सो अभी जो है बस मैं चेरी अभी सो रही है, सो अभी मुझे उठ के जो है उसे खाना खिलाना है। बाकी मुझे थोड़ा बहुत रात में खाना बनाना होगा, जो कि वो 7 बजे के बाद का काम है, तब तक मैं फ्री हूँ। बाल जो है सुखाती हूँ, फिर बैठूँगी तसल्ली से, और जब मैं एक्सरसाइज करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, बिकॉज़ चेरी भी करती है मेरे साथ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ना मेरे को गालों में हो रही है जलन, क्योंकि मास्क हम लोग कंटिन्यू पहनते हैं। अगर ड्यूटी है तो 6 to 7 hours हमारे मुंह पे मास्क होता है, और बल्कि आते जाते में मास्क तो रहता ही है। 7 घंटे लगा लो मुंह पे जो N95 होता है ना, तो उसके अंदर का जो पार्ट है ना उससे मेरे गाल छिल गए हैं। दिख तो इतना नहीं रहा है बट मुझे फील हो रहा है। एक दिन मैंने जैसे ही मॉइस्चराइज़र लगाया इतनी जलन हुई है, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी, तो भाई साहब उससे और ज़्यादा जलन। आज सुबह जो है मैंने पॉन्स लगा लिया था, बोरोप्लस वगैरह कुछ भी मिल नहीं रहा था, पॉन्स लगाया तो उससे और ज़्यादा जलन। और अभी इन्होंने मुझे बोला था कि ड्यूटी से आते वक्त ग्लिसरिन ले आना, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा, बट मैं वो लाना भूल गई हूँ। सो अभी बस मैंने ना चेरी का बेबी लोशन लगाया है, उससे जलन हुई है बट इतनी नहीं हुई है। क्या करें यार, मास्क पहनना भी ज़रूरी है, और पहन के मास्क शोर हो गया। एंड हाँ, मैं ना ड्यूटी से निकलने के बाद मैंने 2 राउंड मारे एम्स के कैंपस के, और सोचा था कि आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, एम्स के कैंपस का टूर कराऊंगी। लेकिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, जो कि मुझे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसका फ़ोन महीनों के बाद आया है, और मैं बिल्कुल वेट करती थी कि कब अंजना कॉल करेगी और मेरी बात होगी, बिकॉज उसकी अभी भी शादी हुई है। सो शादी हो या बेबी हुआ हो, सो बिज़ी हो ही जाते हैं, इस टाइम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो मैंने भी छोड़ रखा था कि जब भी खुद फुर्सत से कॉल करेगी मैं तभी बात करूँगी। सो अंजना का कॉल आ गया था, सो हमारी अच्छी खासी अराउंड 30 मिनट अच्छे से बात हुई है। उससे बात करते करते ही मैं घर आ गई थी, और तब फ़ोन काटा है। सो इसलिए मैं आप लोगों को एम्स का जो है कैंपस का टूर नहीं करा पाई। एंड हाँ, वॉक ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज़ एक बात और बोलना चाहूँगी कि व्लॉग देखने का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट व्लॉग देख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोग भी सीखिए, आप लोग भी कीजिए, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड होता है सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो कुछ भी काम इतने नहीं हो पाते हैं, बॉडी जो है थोड़ी सी सुस्त सी रहती है। लेकिन अब तो गर्मी गर्मी सी आ गई हैं, थोड़ा सा अपने डेज़ को प्रोडक्टिव बनाइए, उठिए टाइम से, एक तो उठो, वैसे भी अब आप लेट तक नहीं सो सकते हो जितना हम सर्दियों में सो जाते थे। सो टाइम से उठो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में करो, जैसे कि मैं मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ़ द टाइम नहीं कर पाती हूँ, सो मैं इवनिंग में ही प्रेफर करती हूँ, भले ही मैं 30 मिनट करूँ बट मैं ज़रूर करूँगी। सो आप लोग भी वॉक कीजिए, अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है सो आज से ही वॉक अपनी ज़रूर शुरू कर दो। एक्सरसाइज भले ही आप 1-2 दिन मतलब थोड़ा सा वार्म अप ले लो वॉक करने से, और वॉक ज़रूर करो। गूगल जो है क्या होता है, गूगल फिट डाउनलोड कर लो, और उसके अकॉर्डिंग 5,000 स्टेप 10,000 स्टेप ज़रूर से कीजिए। एंड एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छे से जो है अपनी नींद लीजिए, 6 to 8 hours की प्रॉपर से स्लीप लो। वाटर इंटेक अच्छे से करना है, 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। मैं ज़्यादा पानी नहीं पी पाती हूँ, सो मैंने अपना जो टारगेट रखा है वो 3 लीटर 3 से 3.5 लीटर तक ही रखा है। इससे ऊपर मेरा बहुत रेयर है कि हो पाया हो, लेकिन जो लोग बहुत अच्छे से पानी पी सकते हैं सो यार अच्छे से पानी पीजिए, 4 लीटर 5 लीटर, क्योंकि पानी कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए पानी। सो पानी पीने वालों को कोई बीमारी नहीं लगती बोलते हैं, सो बढ़िया से पानी पीजिए। और मेरा भी आज से रूटीन स्टार्ट हो चुका है, एंड देखते हैं
इस 10 डेज में मैं कितना वेट लूज़ करती हूँ, कितना फ़र्क दिखता है। एंड अभी जो है मेरा वेट है 64.85। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे। और अभी मैंने आपको जो है वेन मशीन में नहीं दिखाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को वेन मशीन में अपना वेट ज़रूर दिखाऊंगी 10 डेज के बाद, मतलब फैब ख़त्म होगा 1 मार्च की जो वीडियो होगी उसमें मेरा वेट मैं आप लोगों को ज़रूर शो करूंगी। एंड ये वीडियो कोशिश करूंगी कि कल आपको ज़रूर मिल जाए। इससे पहले का जो भी मैंने शूट किया था वो मैंने एडिट कर लिया है, एंड इसके बाद का जो भी शूट करूंगी सब कुछ फटाफट से एडिट करके आप लोगों के लिए कल ज़रूर वीडियो आ जाएगा। एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है एडिटिंग करना, मतलब एक मेरा शौक है, मुझे बहुत मज़ा आता है। लोगों को एडिटिंग बहुत बोरिंग लगती है, बट मुझे एडिटिंग बहुत पसंद है। सो फटाफट से मैं एडिटिंग करती हूँ, एंड जो मेरे पास एक ब्लॉग होता है ना अपलोड करने का, तो लिटरली मुझे मतलब ऐसे लगता है कि वाह, मैं फटाफट से एडिटिंग करके 100% 200% कल ये व्लॉग आप देख रहे होगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं, चेरी का खाना पीना हो गया और अभी बज गए हैं 7। सो मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगी और यहाँ पे मेरे साथ मेरा मंकू भी है। और चेरी कहाँ जा रही है? किसकी? ये इसने बस अभी तक अपनी अभी तक की जिंदगी में चेरी ने सिर्फ गुंजन की शादी अटेंड की है, तो हमेशा शादी हो रही है। किसकी हो रही है? दूध दंती। किसकी हो रही है? जिंदे आजी। चेरी गुंजन की शादी में जा रही है। हाँ। कैसे जा रही है? भाग के जा रही है। भाग के जा रही है। हाँ। ओके, चेरी मम्मा के साथ एक्सरसाइज करेगी। You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me. So अब मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, आप लोग भी जरूर से एक्सरसाइज कीजिए, एंड मैं अपना पूरा हाफ एन आवर एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चेरी यहाँ सोने की एक्टिंग कर रही है और मेरा आधा घंटे का वर्कआउट हो चुका है। सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दिखाई है, बट जो भी है मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग भी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ज़रूर कीजिए, क्योंकि बॉडी जो है अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी। आप थोड़ी सी मूवमेंट में भी आपकी मसल्स में पेन होने लगेगा। और मैंने जैसे कि बोला था कि मैंने कल से शुरू किया है, सो मेरे को हल्का फुल्का थाइज़ में और एब्डोमिनल मसल्स में हल्का हल्का पेन है बिकॉज फर्स्ट डे था, बट हाँ 2-3-4 दिन बाद ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आप लोग भी एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अगर नहीं करते हो तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अपना जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हमेशा मेरा होता है कि मैं छोटा ब्लॉग बनाऊँगी लेकिन फिर भी बड़ा बन जाता है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और चेरिया मुझे परेशान कर रही है, ये ऐसी वाली, ये दे तो गुच्छा हो गया चेरी मेरा, मेरा गुड्डू गुड्डू।